वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। यह है क्रिकेट इनसाइट सीरीज़ की तीसरी वीडियो और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो क्रिकेट रूल जो आने वाले वक्त में चेंज हो सकता है और अगर ये रूल चेंज नहीं हुआ तो कोई भी टीम आसानी से इस रूल की मदद से मैच जीत सकती है। यह रूल की वजह से बैट्समैन को कई परेशानी हुई है और यह रूल सिर्फ बॉलर्स को फेवर करता है। कई बार कमेंटेटर्स ने लाइव कमेंट्री करते हुए इस रूल की आलोचना की थी। ये रूल के ऊपर हो रही कंट्रोवर्सी अभी तक इतनी बड़ी नहीं हुई है लेकिन आगे चलकर जरूर ICC इस रूल को चेंज करेगी। यह रूल के ऊपर सबसे पहले आवाज़ IPL 2018 के एक मैच में उठी थी। तो चलिए आपको इस रूल के बारे में बताते हैं। यह रूल को बताने से पहले मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो नीचे के फेक कमेंट करने वाले हैं कि प्लीज़ आप भी पहले पूरा वीडियो देख ले फिर आप समझ के कमेंट करें। यह रूल DRS यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम से जुड़ा है। तो चलिए इस रूल को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक बॉलर फॉर एग्जांपल मार्क वुड बॉलिंग कर रहा है और सामने बैटिंग विराट कोहली कर रहा है। अब मार्क वुड ने एक लीगल डिलीवरी यानी कि डिलीवरी विथ नो बॉल एंड वाइट बॉल की और वो बॉल विराट कोहली के बैट में निक होकर पैच में लगकर डायरेक्ट पीछे बाउंड्रीज में चली गई। इस वक्त मार्क वुड और सभी इंग्लैंड खिलाड़ियों ने अपील की लेकिन अंपायर्स ने कहा नॉट आउट। और अगर अब इंग्लैंड रिव्यू लेगी तो विराट कोहली और इंडियन टीम वो 4 रन खो देगी और इसके साथ साथ वो एक बॉल भी खो देगी। अब आप सोचिए अगर वो बॉल जो मार्क वुड ने डाली वही बॉल वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल की लास्ट बॉल है और उस एक बॉल में 4 रन चाहिए। इस सिचुएशन में टीम इंडिया उस एक रूल के वजह से वर्ल्ड कप से हाथ गंवा देगी और क्रिकेट के लिए भी ये एक शर्मनाक बात होगी कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि बॉल को बैट्समैन ने हिट किया लेकिन फिर भी बैट्समैन को रन नहीं मिला। ये साफ तौर पर गलत नियम है और इसको चेंज करना ही चाहिए। With this said guys, that's it for today. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।